नमस्कार। आज हम राग जौनपुरी उसका परिचय, उसके आरोह अवरोह और उसका स्वर विस्तार करेंगे, सीखेंगे। राग जौनपुरी के आरोह में गंधार यानी कि ग स्वर वर्जित है। राग जौनपुरी में गंधार, धैवत और निषाद यानी कि ग, ध और नी, ये तीन स्वर कोमल लगते हैं। राग का वादी स्वर धैवत, संवादी स्वर गंधार। राग की जाति साडव संपूर्ण, जौनपुरी का थाट आसावरी और गायन समय है दिन का तीसरा प्रहर। ऐसा माना गया है कि जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने ये राग की रचना की थी, इसलिए शायद ये राग को जौनपुरी कहते हैं। ये राग उत्तरांगवादी होने के कारण राग के सप्तक के उत्तरांग में, तार सप्तक में ज़्यादातर उसका चलन होता है। इस राग में पंचम और गंधार की संगति बार बार की जाती है। आसावरी राग जौनपुरी राग का सम प्राकृतिक राग है और उससे बचने के लिए रे म प की स्वर संगति बार बार लेनी चाहिए। आइए राग जौनपुरी की पकड़। म प नी द प म प ग रे म प म प ग रे म प। राग जौनपुरी के आरोह अवरोह। स रे म प द राग जौनपुरी का स्वर विस्तार। स रे म प ग रे म प ग ग रे म प नी द प प द म प ग रे स आ। तो ये था राग जौनपुरी का परिचय और उसका विस्तार। अगले लेसन में हम राग जौनपुरी की बंदी सीखेंगे। अस्तु।